ओम शांति। एक यहूदी धर्मगुरु कभी अपनी प्रार्थना कर मंदिर से घर वापस लौट रहा था। धर्मगुरु को यहूदी धर्म में रबाय कहा जाता है या फिर टीचर, और उनके जो मंदिर है उसको सिनेगॉग। तो जब वो आ रहा था तब उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो एक पिंजरे में बहुत अच्छा कबूतर बेच रहा था। तो वो सोचता है ये कबूतर बहुत अच्छा है, धर्मगुरु सोचता है, और उस कबूतर को वो खरीद लेता है। उसका इरादा होता है उस धर्म में मांसाहार किया जाता है। वो कहता है ये आज का भोजन अच्छा रहेगा ये कबूतर। तो जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, उस कबूतर को लेके जाते समय वो कबूतर अचानक से बोल उठता है। वो कहता है मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूं, जैसे तुम इस धर्म में धर्म गुरु हो वैसे मैं कबूतरों के जगत में धर्म गुरु हूं। तो वो धर्म गुरु भी सोचता है कि ये तो बोलने वाला कबूतर है और साधारण नहीं मालूम पड़ता। तो वो कबूतर कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हें इसके बदले में 3 ऐसी सलाह दूंगा जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। तो धर्मगुरु कहता है अच्छा सलाह, पहले बताओ फिर बताऊंगा। तो वो कहता है पहली सलाह ये है, एडवाइस, कि तुम एक ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की भी नहीं सुनना, ना ही किसी पर विश्वास करना। वो कहता है वाह ये तो बहुत ही अच्छी सलाह है, दूसरी बताओ। तो वो कहता है दूसरी सलाह है कि तुम कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। तो कहता है वाह ये तो बहुत ही अच्छी सलाह है। और तीसरी सलाह ये है कि जब भी अच्छा काम करो तो बहुत खुश होना। वो कहता है वाह ऐसी सलाह तो मैंने आज तक नहीं दिखी सुनी कभी, मेरा अगला जो प्रवचन होगा सिनेगॉग में मंदिर में उसके लिए ये मटेरियल तो बहुत ही अच्छा है, तो इसी को यूज करके मैं इसी पर क्लास कराऊंगा। तो शर्त अनुसार वो कहता है ठीक है मैंने मान ली तुम्हारी 3 सलाह और मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, लो जाओ। पिंजरा खोलता है और कबूतर उड़ने लगता है और बड़ा खुशी से जाता है, सोचता है अपने घर के दीवारों पर ये 3 सलाह जो है वो लिखूंगा, किताब में लिखूंगा, फिर उसको अच्छे से याद करूंगा, उसके ऊपर अच्छा सा लेक्चर बनाऊंगा और अगला जो प्रवचन होगा सारे लोगों को ये 3 ही बातें सुनाऊंगा और कई समय तक मैं ये सेम क्लास करा सकता हूं। तो ऐसी खुशी में वो जाते रहता है, तब देखता है वो कबूतर आकर एक झाड़ के एक डाढ़ी पर बैठता है और हंसता है जोर जोर से। तो धर्मगुरु कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? वो कहते हैं देखा बना दिया ना बुद्धू। वो कबूतर कहता है मेरे पेट में एक हीरा था, कैसे तुम बुद्धू बन गए? अगर तुम मुझे लेके जाते मुझे मारते तो तुमको वो हीरा मिल जाता और तुम इस दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन जाते। वो कहते हैं अच्छा। तो उसे एकदम से पश्चाताप होने लगता है ये मैंने क्या कर दिया। और बेचारा धर्मगुरु अभी बूढ़ा हो चुका होता है, तो वो उस पंछी को पकड़ने जाता है और ये भी भूल जाता है कि मैं बूढ़ा हूं, और वो झाड़ पर चढ़ने चालू करता है। तो पंछी एक डाली से उसके ऊपर की डाली में, वो और ऊपर चढ़ता है, पंछी ऊपर, धर्मगुरु और ऊपर, पंछी और आगे की डाली पर, रबाय और आगे की डाली पर।
तो चढ़ते 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 जाते एकदम ऊपर पहुंच जाता है। तो सबसे ऊपर की डाली में जब पंछी होता है तो ये धर्मगुरु भी एकदम उसको पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और पंछी उड़ जाता है कबूतर, और धर्मगुरु धड़ाम से नीचे गिरता है और उसके हाथ पैर फ्रैक्चर और खून, और वो रोने लगता है। तब पंछी फिर से नीचे आता है और वो कहता है कि तुम रोते क्यों हो, तुमने तो अच्छा काम किया है, एक पंछी को तुमने आजाद किया, ये कोई बुरा काम नहीं है, जब अच्छा काम करो तो खुश होना चाहिए। क्या तुम ये भूल गए मैं तुम्हें क्या शिक्षाएं दी थी? मेरी पहली शिक्षा क्या थी? किसी और पर भगवान के अतिरिक्त ना तो विश्वास करना और ना ही किसी का सुनना, फिर भी तुमने मेरा सुन लिया। कभी किसी कबूतर के पेट में हीरा होता है क्या, फिर भी तुम हलचल में आ गए, फिर भी मूंझ गए? पहली बात। दूसरी बात, तुमको मैंने कही थी कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना, डोंट ट्राई इम्पॉसिबल, जो तुम्हारी क्षमता है लिमिट है उसके अंदर रहो। अब तुम इतने बूढ़े और चढ़ने लगे पेड़ पर मुझे पकड़ने के लिए, ये भी भूल गए कि मैं कभी भी उड़ सकता हूँ। और तीसरी बात, वो उससे कहता है कि तुम अब रोते क्यों हो, तुमने तो अच्छा ही काम किया है, तुमने अच्छा ही काम किया है, एक बंधन वाले पंछी को तुमने मुक्त कर दिया, ये कोई पश्चाताप की बात ही नहीं है इसमें। तो ऐसी वो तीन बातें सुनाता है उसको संडे की अव्यक्तवाणी, उसमें भी इन्हीं तीन बातों के आधार से हम मुरली की चर्चा करेंगे। पहली बात थी एक के अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं और ना ही किसी का सुनना। दूसरी बात थी कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करना या पेड़ पर नहीं चढ़ जाना, कुमारियों से मुलाकात। तीसरा, जब अच्छा कार्य करो तो खुश होना चाहिए, इस संसार में सबसे अच्छा कार्य एकाग्रता है। उससे क्या होगा उसकी हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत बाबा ने कहां से की, मुरली की, संडे की मुरली, आज की नहीं। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, तो जब भी बाबा मुस्कुराते हैं उसके पीछे बहुत सारी बातें होती है। बाबा ऐसे ही नहीं मुस्कुराते, जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तभी मुस्कुराते हैं। तो बाबा वतन में रूह रिहान करते मुस्कुरा रहे थे, क्या देख के मुस्कुरा रहे थे? कौन बच्चे हैं हम? विश्व को चैलेंज करने वाले बच्चे हैं। कौन सा चैलेंज करने वाले बच्चे हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति एक सेकंड में, जो विश्व को चैलेंज करने वाले हैं और जिनको दिव्य बुद्धि प्राप्त है। दिव्य बुद्धि के किस रूप में मिली है? बर्थडे गिफ्ट के रूप में मिली है। तो जब दिव्य बुद्धि मिली है और संसार को चैलेंज करते हो, एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति ये अधिकार की सीट मिली है, उस सीट से नीचे आ जाते हो, यह देखकर बाप दादा क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। सब कुछ एक सेकंड का है। कौन कौन सी बातें एक सेकंड की है? ज्ञान एक सेकंड का है। तो आज हम देखेंगे सीट से नीचे उतरने के बाद सात बातें होती है। ज्ञान एक सेकंड का है। बाप तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देते, तुम्हें कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। योग भी एक सेकंड का है। एक बाप बाबा और मैं बाप का, बाप मेरा, एक ही सेकंड का है। पर आज हम ज्ञान भी एक सेकंड का, अल्प और भे, रचता और रचना, ज्ञान एक सेकंड का, योग एक सेकंड का, ज्ञान एक सेकंड का है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे सीट से नीचे उतरने के बाद में कौन कौन सी बातें होती है। कुमारियों को बाबा ने
कौन कौन सी बातें कही, ऐसी पांच बातें एकाग्रता से एकाग्रता की परिभाषा क्या है, उसके लिए मंत्र क्या है, नेत्र कौन सा चाहिए, उसके लिए ड्रिल कौन सी है, पांच फायदे और 12 विधियां। ज्ञान 1 सेकंड का है, तुम्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो धारणा भी 1 सेकंड की है, कैसे? धारणा भी 1 सेकंड की है, कैसे? 1 सेकंड की धारणा क्यों है? जन्म और कुल, जब जन्म इतना ऊंचा है तो धारणा स्वतः ही ऊंची हो जाएगी, कुल इतना ऊंचा है तो ईश्वरीय गुण स्वतः ही आ जाएंगे। उसके लिए कानों को क्या करो, आज क्या बोला, कान रूपी बर्तन को क्या कर दो, सोने का बना दो, गोल्डन वेसल। जब तक प्यूरिटी नहीं, ये ज्ञान धारण नहीं हो सकता। सुनाने वाले माया भी बन जाएंगे, पढ़ने वाले उच्च पद पा सकते हैं। आधार सुनना सुनाना नहीं है, आधार क्या है? पवित्रता, प्यूरिटी। तो कानों को क्या कर देना है? गोल्डन वेसल, सोने का बना देना है बर्तन। तो धारणाएं 1 सेकंड की, सेवा भी 1 सेकंड की, कैसे? अधिकारी बन गए, सारे खजानों के मालिक बन गए, और मालिक बनकर 1 सेकंड में बाप का परिचय देते हो, जो पाया है उसे दे रहे हो, सहज है। तो ज्ञान भी 1 सेकंड का, योग भी 1 सेकंड का, धारणाएं भी 1 सेकंड की, और सेवाएं भी 1 सेकंड की। इस अधिकार की सीट पर बैठो। जब नहीं बैठते हो तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। ऐसी 7 चीजें बाबा ने बताई है। अधिकार की सीट पर बैठना अर्थात श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना, अधिकार की सीट पर बैठना अर्थात ऐसे आरामदायी सीट पर बैठना, बेआरामी की सीट पर नहीं आ जाना, हलचल की सीट पर नहीं आ जाना। तुम्हारा यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। पहली चीज, सीट से नीचे आते ही शक्तियों की प्राप्ति गुम हो जाती है, अधिकार चला जाता है, अथॉरिटी चली जाती है, दास बन जाते हो, और दास दास का कभी नहीं सुनेगा। दास किसका सुनता है? मालिक का। जब मैं ये भूल जाता हूं कि मैं अधिकारी आत्मा हूं, नीचे आ जाता हूं, तब शक्तियां काम नहीं करती। ऑर्डर करेंगे पर ऑर्डर मानेगी नहीं, आह्वान करेंगे परंतु आएगी नहीं। आगे बाबा ने कहा है, अटकेंगे, लटकेंगे, गिरेंगे और चिल्लाएंगे। तो सबसे पहली बात है शक्तियां खो जाना, निर्बल दुर्बल हो जाना, शक्ति विहीन हो जाना। और जब आत्मा निर्बल हो जाती है, शक्ति विहीन हो जाती है, तब फिर पुकारते रहती है, बाबा शक्ति दो ना। फरियाद, आराधना, भक्ति, आत्मा में शक्ति भरी रहे, इसके लिए निरंतर उसे समान का अभ्यास करना होगा। उस सीट से नीचे आए ही ना, पहली बात। दूसरी बात है स्पिरिचुअल एनीमिया। एनीमिया अर्थात खून की जब कमी हो जाती है, उसको मेडिकल में एनीमिया कहा जाता है। स्पिरिचुअल एनीमिया अर्थात यहां पर भी खून की कमी हो जाती है, यहां भी आत्मा दुर्बल हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, समर्थ नहीं रहती। तीसरा, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन।
स्पिरिचुअल कंफ्यूजन अर्थात मूंझ जाती है, करना है कि नहीं करना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, यथार्थ क्या है अयथार्थ क्या है। स्पिरिचुअल डिप्रेशन, उदास हो जाती है, सेवा कर रही है, ज्ञान सुन रही है, सुना रही है, परंतु उदासी के रूप में, और उदास जो है वो दास बनेंगे। ब्राह्मणों की बातें चल रही है, संसार की आत्माओं की नहीं। स्पिरिचुअल डिप्रेशन। और पांचवा, स्पिरिचुअल डिप्लोपिया। डिप्लोपिया अर्थात, जो मेडिकल के होंगे उनको पता होगा, डिप्लोपिया अर्थात दो दो दिखाई देना, ये करूं क्या ये करूं, वो करूं या ये करूं, सार ये है या आसार है, करना क्या है क्या नहीं करना है, ये मनमत है ये परमत है। दो दो दिखाई देने लगते, एक रास्ता है परंतु दो रास्ते दिखाई देने लगते, एक मत है परंतु दो दो मतें दिखाई देने लगती है, जैसे वो धर्मगुरु। उसको कहा गया था, पहला नियम क्या है, पहली सलाह कि केवल एक को सुनना, एक पर विश्वास करना, परंतु वो और को सुन लिया, एक मार्ग छोड़कर, एक श्रीमत छोड़कर यह परमत मनमत ही आ गई। एक छोड़कर अनेक दिखाई देना, एक मत छोड़कर अनेक मत, एक रास्ता छोड़कर अनेक रास्ते दिखाई देना, है एक ही रास्ता, एक ही श्रेष्ठ राम इंटरनेशनल हाईवे, परंतु वो छोड़कर क्या करते हैं गली गलियारों में भटक जाते हैं। तो स्पिरिचुअल डिप्लोपिया अर्थात दो दो दिखाई देना। सबसे पहला बताया शक्ति खो जाना, शक्ति का आह्वान करने के बाद भी शक्ति न आना, ऑर्डर करने के बाद भी ऑर्डर न मानना, ये स्थिति हो जाती है आत्मा की। फिर खून की कमी, एनीमिया, फिर कंफ्यूजन, फिर उदासी, और फिर डिप्लोपिया, दो दो दिखाई देने लगता है, ये करूं या वो करूं। शेक्सपियर का एक पात्र है हैमलेट, वो हमेशा इसी कंफ्यूजन में है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। उसका सारा जीवन में दिखाया है कंफ्यूज है, करना क्या है उसे पता ही नहीं चल रहा है, करूं या नहीं करूं, ट्रेजिडी है, दुखद है। जब उसे पता चलता है उसके पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, उसके पिता का भाई राजा बन गया और उसकी मां ने उसके पिता के भाई से शादी कर ली, यह सब इतना अचानक हुआ, उसे समझ में नहीं आता यह सब क्या हुआ। फिर दिखाया है कोई एक प्रेत उसके पिताजी का उसके सामने आता है और कहता है कि तुम्हारे जो चाचा है और तुम्हारी मां है उन दोनों ने मिलकर मुझे मारा है, और पूरा वहां से उसका सारा सीन चालू होता है। सोचते रहता है बदला लू या नहीं लू, करू या न करू, और लास्ट में वो खुद भी मरता है, उसके चाचा को भी मारता है, उसकी मां भी मर जाती है, जितने पात्र है सबके सब किसी न किसी रूप से रीति से मरते हैं। जीवन में निर्णय ही नहीं ले पाता, अनिर्णीत ही रहता है, इनडिसीजन। इसको कहा जाता है पैरालिसिस ऑफ इनडिसीजन। मधुबन में रहना है, घर पे रहना है, सेंटर पे रहना है, घर पे रहना है, जॉब करना है नहीं करना है, यहां रहना है या वहां रहना है, ये इसमें सेवा करना है या उस डिपार्टमेंट में सेवा करना है, जो अभी कर रहा हूं वही चलने दू सेवा कि इस सेवा को बदल के दूसरी सेवा ढूंढू। कंफ्यूजन, ये करूं या वो करूं, सारी दिनचर्या में ही कंफ्यूजन, जीवन में ही कंफ्यूजन, हर निर्णय में कंफ्यूजन, हर जगह आत्मा मूंझी हुई है। ये जो अवस्था है स्पिरिचुअल डिप्रेशन, स्पिरिचुअल डिप्लोपिया, स्पिरिचुअल एनीमिया और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन की अवस्था है। कब होती है, इसका मतलब सीट पर नहीं बैठे हैं, नीचे उतर गए। ये पांचवी पॉइंट। छठवी, माया का चक्र।
क्या कर जाते हैं, माया के चक्र में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर व्यर्थ और कमजोर संकल्प खड़े करते हैं, उसकी ऊपर जैसे एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, ऊपर से फिर शक्तिशाली किरणें नहीं आ पाती। नहीं तो वो किरणें तो है ही, वो किरणें तो सदा ही है, परंतु क्या खड़ी करती है आत्मा, व्यर्थ और कमजोर संकल्प। ये हो जाएगा तो, वो हो जाएगा तो, यहां रह जाऊंगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, मन हुआ कुछ नहीं है परंतु मन सोच ही रहा है, भय है, अनिश्चिंतता है, असुरक्षा है, फियर इनसिक्योरिटी है, हर चीज के बारे में भय है, इस ब्राह्मण जीवन के बारे में भी भय है, कुछ हो गया तो चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, भय की अवस्था, माया जाल के अधीन हो जाते हैं, माया के चक्र के अधीन हो जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गिरते रहते, अटकते रहते, लटकते रहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये हो रहा है इसका मतलब सीट पर हम नहीं है। इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं, कमजोरी आ गई है, शक्ति काम नहीं कर रही है, अर्थात हम सीट पर नहीं है। एकांत और मौन का आधार लेकर सीट पर विराजमान होना है, फिर से ढूंढना है। इसी मुरली में एक जगह बाबा ने कहा है टाइम बुकिंग, टाइम बुकिंग करो, डायरी अपॉइंटमेंट अमृत वेला, क्या कमी है, कौन से अवगुण है, कौन से संस्कार है, आज वरदान में भी कहा है, उनको जैसे अपना रूप बनाया है वैसे हर शक्ति हर गुण ज्ञान को अपना स्वरूप बनाओ। तो माया का चक्र, और लास्ट पॉइंट है भूल भुलैया का खेल। गलियों में इतने भटक जाते हैं कि वो मेन हाईवे छूट गया। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है जिगजैगिंग। जिगजैगिंग अर्थात एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ सैर करने निकला, 5 किलोमीटर चला, परंतु कुत्ता 10 किलोमीटर चला। कैसे? अंतर उतना ही है, व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, साथ में कुत्ता है, परंतु कुत्ते ने जो सफर तय किया वो है 10 किलोमीटर। कैसे? रास्ता एक ही है, कुत्ते को साथ में लेके गया था। कुत्ते की आदत ही कुछ और है, हर गली में जा के देखता है कौन है, हर गली में जा के देखता है और भोग कर आता है, कोई दूसरा कुत्ता देखा तो उसके साथ थोड़ा देर झगड़ा करता है, कहीं किधर से निकलता है कहीं किधर से निकलता है, वो हाईवे में नहीं चलता है कभी भी, उसकी उत्सुकता है, कोई डिब्बा गिरा है तो उसमें जाके सूंघता है, क्या है ये, क्या है वो, क्या है इधर, क्या है उधर, क्या है ये गली वो गली, जिगजैगिंग। और कहीं अगर दूर गली में चला गया तो वापस आने को थोड़ा टाइम लगता है उसको। वैसे ही श्रीमत इंटरनेशनल हाईवे है, श्रीमत को छोड़ा तो गलियों में घुसे, और गलियारों में कहां चले जाएंगे पता नहीं, और वहां से निकलने में निकल भी तब सकेंगे कोई सहारा, कोई यथार्थ मार्ग दिखाने वाला मिल जाए, क्योंकि वहां गलियों में दो दो दिखाई देता है सब, स्पिरिचुअल डिप्लोबिया, कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाता है, स्पिरिचुअल कंफ्यूजन, और दिखाई दे भी तो भी स्पिरिचुअल एनीमिया, शक्ति नहीं है, खून की कमी हो गई है। तो ऐसी 7 चीजें हो जाती है, क्यों होती है, कारण सीट से नीचे हो जाते हैं, और कारण, और कारण बताया बाबा ने, कारण बीमारी, कारण कमजोर हो जाते, कारण बद परहेजी, कारण बचपन के खेल, मर्यादाओं की परहेज नहीं करते। जब जब मर्यादा का उल्लंघन आत्मा करेगी दंड मिलेगा, दंड होगा दुख खुशी का गायब होना, दंड होगा अमृत वेला लेटा खुलना,
दंड होगा मुरली में रस खत्म हो जाना, दंड होगा दुखी सा महसूस होना, उमक सेवा में कोई उमंग उत्साह नहीं। ब्राह्मण जीवन में सजा अर्थात स्थिति का गिर जाना ही दंड है। कोई धर्मराज लेकर नहीं बैठा है। कुछ दिनों पहले आया था, जो सजाए जेल में भी नहीं खाई है वो धर्मराज खिलाएगा, उनके लिए कह रहा होगा शायद जो जेल में जाके आए। सुना ना, कुछ दिन पहले साकार मुरली चली थी। स्थिति का गिर जाना ही दंड है, दुख सा महसूस होना ही दंड है, दो दो मार्ग दिखाई देना ही दंड है, स्पिरिचुअल एनीमिया ही दंड है, शक्तियां काम न करना ही दंड है, ऑर्डर न मानना शक्तियों का यही दंड है। कब होगा? बद्ध परहेजी। बद्ध परहेजी अर्थात असंयम, कंट्रोल नहीं किया डाइट, तब होगा। किसी न किसी एक सूक्ष्म श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है कहीं ना कहीं, तभी तो दो दो दिखाई दे रहे हैं, तभी तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो स्थिति से नीचे आए तो ये सब होगा। फिर क्या कहेंगे? शक्ति नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती, योग नहीं लगता, सब कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट, कंप्लेंट से भर जाएगा जीवन। तो मुख्य पुरुषार्थ क्या है? समान। मुख्य पुरुषार्थ क्या है? आत्माभिमानी स्थिति। मुख्य पुरुषार्थ क्या है? मैं अधिकारी आत्मा हूं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही एक सेकंड का है। चाबी मिली है, चाबी को संभाल के रखना। कौन सी चाबी? स्लोगन में कहा है, खो गई तो फिर से भटकना चालू। इसके लिए ये सातों ही चीजें अगर न होनी है तो क्या करना पड़ेगा? सीट पर बैठ जाना। अगर ऐसा उस धर्मगुरु ने किया होता तो वो प्रलोभन उसके सामने नहीं आया होता, वो आवाज नहीं पहचान पाया कि ये परमत है, ये मनमत है, ये राम की आवाज नहीं, ये रावण की आवाज है। मान लिया कि उस पंछी के पेट में क्या है? हीरा है, और दुखी होने लगा और नेक्स्ट स्टेप भी ले ली। कौन सी नेक्स्ट स्टेप ली? झाड़ पर चढ़ने लगा। तो ये यहां और एक चीज है, और नहीं, महाभारत में एक उदाहरण है। महाभारत के युद्ध के पहले दिन युधिष्ठिर जो होता है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वो कहता है, मैं कैसे मारूं मेरे गुरुजनों को, भीष्म को मैं कैसे मारूं, द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, कृपाचार्यों को कैसे मारूं, कैसे मैं उनके साथ युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर श्रेष्ठ ज्येष्ठ पांडव, वो एकदम दुखी हो गया है। वो कहता है, ये मेरे से नहीं होगा। अर्जुन उसको समझाता है। क्या समझाता है? भूलना मत लाक्षाग्रह, चीरहरण, द्रौपदी चीरहरण, द्युत क्रीड़ा, सब कुछ समझाते हैं। अभिमन्यु का वध, क्या ये सब भूल गए? कौरवों ने हमारे साथ हमेशा छल ही किया है। तो अच्छा घोट पिला देता है, सलाह की सलाह पिला देता है वो, किसको? युधिष्ठिर को। अब जब दूसरे दिन युद्ध के मैदान में वो जब खुद खड़ा होता है, सामने आ जाइए, युद्ध के मैदान में जब वो खुद होता है तब सा ज्ञान भूल जाता है, तब उसे काउंसिलिंग की आवश्यकता पड़ती है, फर्स्ट साइको एनालिसिस, तब वो कुछ नहीं कर सकता है, तब वो सारा ज्ञान उड़ गया, खलास हो गया। व्यक्ति जब किसी और को सलाह देना होती है तो बड़ा ही हिम्मत से सलाह देता है, परंतु जब खुद पे आती है तब कुछ नहीं कर पाता है, तब कंफ्यूजन हो जाता है, तब एनीमिया हो जाता है, तब डिप्लोपिया होने लगता है, तब दो दो दिखाई देने लगते हैं, तीन तीन भी दिखाई देते हैं किसको, कई को उससे भी ज्यादा, इधर जाऊं या उधर जाऊं, करूं कि नहीं करूं,
सारी ही गीता में शुरुआत से लेकर अंत तक प्रश्न ही पूछे जा रहा है और बात बात पे एक ही प्रश्न पूछ रहा है, कभी इधर से पकड़ता है कभी उधर से पकड़ता है, प्रश्न एक ही है। पर वो यही कहना चाहता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, पर कोई अच्छा सा कारण चाहिए, धर्म संगत। तो सदैव सीट पर सेट रहना, नहीं रहोगे तो ये सातों चीजें पकड़ लेगी। ये सबसे पहले पॉइंट। दूसरा नियम, दूसरी सलाह जो धर्म गुरु ने नहीं मानी वो कौन सी थी? कोई उल्टे सुलटे काम नहीं करना, उम्र तो देखो और चले पेड़ पर चढ़ने, और किस लिए? उस पंछी को पकड़ने के लिए, कुमारियों से मुलाकात। पांच पावरफुल पॉइंट्स कुमारियों के लिए कही है बाबा ने। सबसे पहला, कुमारी अर्थात बाप समान, कुमारी अर्थात शिव शक्ति, कुमारी अर्थात शिव के रंग में जो रंगी है। संकल्प बोल कर्म, साधारण आधा कल्प किया अभी साधारण नहीं हो सकता है। सेवा जैसे वो सेवा करता है बाप, वैसे तुम भी करो। तो कुमारी अर्थात बाप समान, कुमारी अर्थात शिव शक्ति, शक्तियां है शिव की और महावीर है राम के। महावीर किसके हैं? राम के। कुछ दिन पहले मुरली चली थी ना, कुमारों से बाबा ने क्या कहा था, जब भी बहन नहीं देखो, माता नहीं देखो, निमित्त टीचर नहीं देखो, क्या देखो? शिव शक्ति देखो, जगत माता देखो और देवी देखो। और बहनें भी अपने आप को क्या समझे? शिव शक्ति समझे। तो कुमारी अर्थात सबसे पहले पॉइंट शिव, बाप समान अर्थात शिव शक्ति। दूसरा, कुमारी अर्थात हिम्मतवान। इस मार्ग पर चलना है तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत सारे प्रलोभन है, बहुत सारी बातें आएगी, सिक सिक झुक झुक मरमर, पल पल पर झुकना सिख मरना है, ऐसा ये मार्ग है। हिम्मत बहुत चाहिए, और बीच बीच में अगर हिम्मत कम होती है, अगर व्यक्ति गिरता है तो खुद ही स्वयं को उठाए, इसी में महानता है। गिरे हुए नहीं रह जाना 10 दिन 4 दिन 15 दिन, गिरे फिर से हिम्मत बांधो और उठो। दूसरा, हिम्मत। तीसरा, उमंग उत्साह। जिसके पास उमंग उत्साह है वो चारों ही चीजों में नंबर वन होगी। कौन सी चार चीजें? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। बिना उमंग उत्साह के कुछ भी संभव नहीं है। सुबह अमृत वेला योग के लिए उठना है, उसके लिए भी अच्छा उमंग उत्साह चाहिए रात में सोते समय। अगर ऐसे ही दुखी होते हुए या ऐसे ही साधारण रूप से सो जाए तो अमृत वेला भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है। दादी का संदेश सुना ना, अमृत वेला क्या करो? शक्तिशाली पावरफुल अमृत वेला हो। विश्व को सूक्ष्म सेवा की बहुत आवश्यकता है, इसी मुरली में बाबा ने कहा है, तुम सबको उन्हें भक्त तुम्हें पुकार रहे, चीख रहे, क्या कह रहे, चिमटे बजा रहे, नगाड़े बजा रहे, तालियां बजा रहे, घंटियां बजा रहे, ढोल बजा रहे, तुम्हें पुकार रहे, हे शांति के दूत आ जाओ। पुकार सुनो और क्या करो? उपकार करो। कितना बड़ा कार्य है ये। यदि हम अपने ही दुख दर्द में डूबे हुए हैं तो संसार को दुख दर्द से मुक्त कैसे करेंगे? कितनी सूक्ष्म स्थिति चाहिए कि संसार की आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है, पीड़ा से मुक्त करना है, हद और बेहद दोनों से पार ले जाना है। आज की मुरली ये हमारा काम है, और हम खुद ही दुखी है, खुद ही उदास है, खुद ही अमृत वेला हमारा शक्तिशाली नहीं। तो उमंग उत्साह योग में भी चाहिए, उमंग उत्साह ज्ञान के चिंतन में भी चाहिए। रोज इतनी बड़ी मुरली आ रही है, कितना उस पर चिंतन किया, कितना उस पर मनन किया। रोज रोज बाबा कह रहे एकांत में जाओ और मुरली का अध्ययन करो, चिंतन करो, पॉइंट्स निकालो। बाप खुद टॉपिक पर समझाते, समझ समझ कर क्या बनो,
बहुत समझदार माला का दाना बनो, समझ समझ कर बहुत समझदार माला का दाना बनो। आज का है ना सुबह, कितने हम बने, कितनी बुद्धि को दिव्य बनाया है, शुद्ध किया है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। रामायण में कहा है भगवान की वाणी सुनने के लिए कान कैसे हो समुद्र जैसे विशाल, सब कुछ अंदर समा लो, हप कर लो उसके ज्ञान को। तो कुमारी अर्थात जिसमें क्या है, उमंग है, उत्साह है, किसके लिए, ज्ञान के लिए, योग के लिए, सारी धारणाओं के लिए और सेवाओं के लिए, उसमें भी मुख्य रूप से सूक्ष्म सेवा। स्थूल सेवा तो है ही, परंतु सूक्ष्म सेवा ये बहुत बड़ी सेवा है जो रही हुई है। कुमारी का अगला गुण निर्बंधन। आत्मा जब निर्बंधन अवस्था में है सबसे अधिक शक्तिशाली तभी है। यदि कोई बंधन डालने वाला आए तो क्या करो, आग जला कर रखो, आग देखकर भाग जाएगा। जानवर जहां आग होती है वहां नहीं आते हैं। कौन सी आग, लगन जो है उसको आग का रूप दे दो, फुल फोर्स हो लगन का, हल्की फुल्की नहीं, लगन को बढ़ाओ, आग चाहिए आग। मन की उपमा उपनिषदों में आग से की गई है, अग्नि कुंड से। क्या इसमें डाला जा रहा है सुबह से लेकर रात तक, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कहा है रबर डाल दो तो दुर्गंध निकलेगी, यदि चंदन डाल दो तो खुशबू। हम सारे दिन भर उसमें क्या डाल रहे हैं, आंखों से, कानों से, क्या क्या सुना जा रहा है, क्या क्या देखा जा रहा है, क्या क्या पढ़ा जा रहा है, उस अनुसार ही सुगंध निकलेगी। तो कुमारी अर्थात निर्बंधन, कोई भी बंधन स्वीकार नहीं, नो इमोशनल बॉन्डेजेस, नो इमोशनल स्लेवरी, नो इमोशनल चेन्स, नो इमोशनल केजेस, नो इमोशनल डिपेंडेंसी, कोई नहीं चाहिए देहधारियों में, एक वही सहारा है। वो धर्मगुरु उल्टा पेड़ पर चढ़ने लगता है, कुमारी अर्थात उल्टे सीढ़ी चढ़ने वाली नहीं, चढ़ने के बाद फिर वापस आना पड़ेगा और रहोगे वहीं, बाकी साथ वाले आगे चले जाएंगे। उल्टे सुलटे संकल्प ना करो। आज के मूल्य में था सुबह, तूफान बंद, फुल स्टॉप। और पांचवा गुण कौन बताएगा कुमारियों का, शक्तिशाली। कुमारी अर्थात शक्तिशाली, ये पांच चीजें बताइए कुमारियों के लिए। कुमारी अर्थात शिव शक्ति, बाप समान, कुमारी अर्थात हिम्मतवान, कुमारी अर्थात उमंग उत्साह, कुमारी अर्थात हिम्मतवान, उमंग उत्साह, निर्बंधन और शक्तिशाली। तो ये पांच चीजें। और आज जो मुख्य विषय जिस पर हमें चर्चा करनी है वो है एकाग्रता। ये सबसे अच्छी चीज है। बहुत सारी बातें इस एकाग्रता के बारे में बाबा ने बताई है। सबसे पहले परिभाषा बताइए, फिर पांच फायदे बताए हैं, 12 विधियां बताई है, 1 मंत्र बताया है, 1 ड्रिल बताई है। सबसे अच्छी चीज तुम्हें जब मिल जाए तो खुश होना चाहिए। इस ब्राह्मण जीवन में जो सबसे अच्छी चीज हमारे पास है वो कौन सी है, एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह भाषण में कभी कहा था, इफ आई वेयर टू स्टार्ट माई एजुकेशन ऑल ओवर अगेन आई वुड फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डिटैचमेंट एंड देन एट विल आई विल कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स। यदि मुझे अपनी सारी शिक्षा, सारा शिक्षण फिर से करना है बचपन से,
तो सबसे पहले मैं दो चीजों पर मास्टरी करूंगा, एक है एकाग्रता और दूसरा है डिटैचमेंट, और उसके बाद में धक से ये सारा जो ज्ञान का विस्तार है उसको ग्रहण कर लूंगा। जितनी सूचनाएं हैं, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, वो सारी तुरंत ग्राप्स कर लूंगा। सबसे मुख्य चीज क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। अब्राहम लिंकन को कहा गया है कि यदि आपको 6 घंटे मिलते हैं किसी एक झाड़ को काटने के लिए तो क्या करोगे? उसने कहा मैं 4 घंटा कुल्हाड़ी की धार खाली तेज करते बैठूंगा और फिर एक धक से झाड़ को काट दूंगा। कुल्हाड़ी की धार तेज करना अर्थात एकाग्रता। सबसे पहले एकाग्रता की बाबा ने परिभाषा दी है। क्या परिभाषा है एकाग्रता की? परिभाषा क्या दी है? क्या एक बाप? नहीं, एक बाप नहीं है इसमें। एकाग्रता की परिभाषा माता है। संडे की मुरली चल रही है। एकाग्रता की परिभाषा, जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में स्वयं को स्थित करना चाहो, जितना समय चाहो उतना स्वयं को स्थित कर देना, मन वश में हो। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। एक ड्रिल बताइए इसके लिए। कौन सी ड्रिल? अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से बाहर। ये ड्रिल है। ये ड्रिल बार बार करते रहो तो क्या होगा? एकाग्रता आएगी। जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो मन को लगा दो। अभी अभी ये कार्य कर रहे उसमें पूर्ण मनोयोग, सेवा कर रहे उसमें पूर्ण कॉन्सेंट्रेशन, वहां से निकले कुछ दूसरा काम कर रहे उसमें पूर्ण मनोयोग, दत्त चित्त होकर संपूर्ण एकाग्रता से वो काम करना, ये कॉन्सेंट्रेशन है। आवाज में भी एकाग्रता से और आवाज से बाहर भी एकाग्रता से, दोनों ही चीज है। विस्तार को सार में ला लेना योग, और सार को विस्तार करना ज्ञान, इसमें भी एकाग्रता। दोनों में जितनी एकाग्रता होगी तो ज्ञान का विस्तार भी हम अच्छे से कर सकेंगे और विस्तार को सार में भी योग में तुरंत ला सकेंगे। 1 सेकंड में अशरीरी सब कुछ भूल गया। तो कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन, दूसरी बताई ड्रिल, उसके बाद बताया 5 फायदे। कौन कौन से? सबसे पहले तो एकाग्र होंगे तो एक रस स्थिति हो सकती है। एक रस, व्यक्ति के रस कई चीजों में है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारे रस एक से मिले, एक रस स्थिति आएगी। एक दूसरा, एकाग्रता से क्या होगा? निर्विघ्न होंगे। तीसरा, फरिश्ता स्थिति। ये 3 मुख्य। एक रस स्थिति आएगी, फरिश्ता स्थिति का की अनुभूति हो सकेगी और निर्विघ्न बनेंगे इस मालिकपन की शक्ति से। ये 3। चौथा, जो भी चंचल मन वाली आत्मा सामने आएगी उसको भी हम अचंचल बना सकेंगे। जो भी जिसका मन एक पल के लिए भी ठहरता नहीं है, टेम्पररी टाइम के लिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, उसके मन को एकाग्र कर सकेंगे। ये तो सिद्धि जैसा है। और लास्ट 5वां फायदा, किसी को भी भुला सकेंगे। वैसा ही उसकी बुद्धि में स्पष्ट दिखेगा जैसे टीवी पर कोई चित्र नजारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। हम किसी के लिए यहां से संकल्प करेंगे, उसके मन में वो ऑल डिटेल्स सारी दिखाई देगी, वो संकल्प, और उसे कोई कार्य करने के लिए यहां बैठकर प्रेरणा दी जा सकती है। कितनी बड़ी बात है ये होगा। क्या होगा? किसी के संकल्पों से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, आ जाओ, और किसी को भी कोई भी कार्य करने के लिए हम प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण है, और कहते हैं कि यह उदाहरण सत्य घटना पर आधारित है, जो कि कभी 30-40 साल पहले अखबार में आया था। एक योगी अपने शिष्य के साथ एक गांव में, एक बहुत बड़े शहर में आता है। दोनों ही बहुत लंबी यात्रा करके पैदल थके हारे, और शाम हो जाती है तो शिष्य कहता है आज तो भोजन तो मिलने वाला है नहीं, और कोई फुटपाथ पर ही सोना पड़ेगा।
तो वो गुरु कहता है ऐसे कैसे फुटपाथ पर सोएंगे, आज हम एक 5-स्टार होटल में सोएंगे और हमको भोजन भी बहुत बढ़िया मिलेगा। वो कहते कैसे? तो शिष्य को बड़ा आश्चर्य होता है, वो कहते बैठो बाजू में, और गुरु ध्यान मग्न हो जाता है, ध्यान में बैठ जाता है आधा घंटा तक, और ध्यान से मेडिटेशन से उठता है, बोलता चलो अब, और शिष्य को लेके चल पड़ता है, इस गली में उस गली में ये गली में वो गली में, यहां आ जाता है वहां आ जाता है, और बराबर एक 5-स्टार होटल के सामने आके खड़े हो जाता है। 5-स्टार होटल का मालिक अंदर से आता है, कहता है अरे मैं आपका इंतजार कर रहा था, आइए, मैं कब से सोच रहा था कोई अच्छा एक महान योगी आज आ जाए। तो वो उनको लेके जाता है, अच्छा सा कमरा देता है और भोजन की व्यवस्था करता है। तो शिष्य बड़ा खुशी से खा तो लेता है, और जब सोने का टाइम आता है कहता है गुरु जी प्रश्न एक है, ये कैसे हुआ बताओ आप, ये किया कैसे आपने? और वो भी ये होटल तो कितना दूर था उस स्थान से, कितनी सारी जगह घूम घूम के यहां हम पहुंचे। तो वो कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, मैंने इस सारे शहर को देखा अपने मन में, पहली बार दोनों उस शहर में आए, फिर धीरे धीरे यहां के सारे होटल देखते गया, और फिर सबसे बड़ा जो होटल था उसको देख लिया, और फिर देखा वहां का जो मैनेजर है, फिर उसको अपनी आंखों के सामने इमर्ज किया और उसको संकल्प दिया कि मैं आ रहा हूं, और मैं जब आऊंगा तुम्हें ऐसे ही शब्द बोलने हैं, और मैं जब आऊंगा तुम्हें ये करना है, हमारा तुम्हें स्वागत करना है, बाहर आके खड़े रहना, मैं बस पहुंच ही रहा हूं थोड़ी देर में अपने शिष्य के साथ, कमरा भी ये दे देना, कमरे का नंबर ये रहेगा, और भोजन भी तैयार रखना। विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, प्रोजेक्शन, इमोशनल प्रोजेक्शन ऑन द मेंटल इमेजेस, जो हम मेंटल इमेज क्रिएट करें उनके ऊपर क्या करना, प्रोजेक्ट करना, संप्रेषण उसके ऊपर वो डालना, जो भी हम मन की आंखों से देखेंगे और उसके ऊपर वो डिटेल में देखना, एक एक चीज का डिटेल, जितना डिटेल में देखा जाएगा, विजुअलाइजेशन होगी, उतना वो साकार होगा, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मटेरियलाइज इट, सारी कायनात क्या करेगी, कॉन्स्पायर अर्थात षड्यंत्र करेगी उसको साकार करने में, ऐसे शब्द है, काम करेगी, वो असंभव सा काम है परंतु सारी की सारा ये सृष्टि उसमें काम करने में लग जाएगी और उसको साकार करेगी, द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू, ये होगा। तो ये 5 फायदे हैं, किससे, एकाग्रता की शक्ति से, पहला एकरस स्थिति, दूसरा निर्विघ्नम, तीसरा फरिश्ता स्थिति का अनुभव, चौथा जो चंचल वाला आएगा, मन वाला कह रहा है एक पल भी मैं एकाग्र नहीं रह सकता हूं, जैसे यहां पर भी है, एक मिनट यहां बैठे योग में, एक बार वहां से उठ के वहां बैठे, वहां बैठे वहां बैठे वहां बैठे वहां बैठे वहां बैठे, पता नहीं उस स्थान में क्या है, अभी अभी उस चेयर में, उस चेयर से उठ के दूसरी चेयर में, दूसरी चेयर से उठ के तीसरी चेयर में, तीसरी चेयर से उठ के नीचे, और थोड़ी देर में बाहर, एक पल भी एकाग्र नहीं है मन, है ना, ऐसा सब जगह है, क्यों इतनी हलचल? शरीर को, जब तक शरीर को साधना, ये भी एक साधना है, योग में कहा हुआ है, बाबा ने तो कहा ये सहज योग है, जैसे बैठने चाहो लेट के, बैठना चाहो लेट के करो, परंतु आसन जयी की एक परिभाषा है, 3 घंटा एक ही आसन में बैठे रहना, जब ये साधना, इसको भी साधते हैं लोग, जब कोई ये साधना कर ले तो उसे आसन जयी कहा जाता है, और जिसने देह को नहीं साधा वो मन को साधेगा कैसे, देह हिल रहा है, एक एक मिनट में हिल रहा है, कभी इधर हाथ कभी इधर हाथ, कभी किधर कभी किधर, कभी पीठ खुजा रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी पैर कुछ कर रहे हैं। वैसे मच्छरों ने इस देश के योगियों को बहुत सताया है द्वापर से। सबसे बड़े दुश्मन योगियों के मच्छर ही रहे, गुफाओं में बेचारे मच्छर बहुत सताते थे उनको। परंतु फिर भी देह को साधना भी एक साधना है, सद जाए ये देह, देह भी थोड़ा सा एकाग्र हो, पस्या है।
फिर वो कितना भी कहो, बाबा ने तो कहा है कि आराम करो, ये करो, परंतु देह भी तो स्थिर हो। तो तीसरा, अचंचल मन वाले को भी टेम्पररी टाइम के लिए शांत कर सकते, स्थिर कर सकते हैं। और लास्ट आह्वान, टीवी में जैसा स्पष्ट दिखाई देता है वैसे उसकी बुद्धि की टीवी में स्पष्ट दिखाई देगा, और हो सके तो आपका चेहरा भी दिख जाएगा उसको, और आके कहेगा कि आप ही दिखे थे और आप नहीं बुलाया था, आप ही आए थे स्वप्न में। तो ये पांच चीज है। अब एकाग्र होने की 12 विधियां बताई है बाबा ने, एकाग्र होने की 12 विधियां, 12 मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। संसार में भी बहुत सारी विधियां है जिससे मन एकाग्र हो जाए। सबसे पहली, अटेंशन। सबसे पहली विधि क्या है? अटेंशन। किस बात का अटेंशन? मुझे एकाग्र होना है, इस बात का अटेंशन। मुरली पढ़ रहे इतनी एकाग्रता से कि वो पढ़ते ही हम उसको ग्रहण कर ले, मुरली सुन रहे, केवल सुने और ऐसा सुने कि बस वो सुनना ही सब कुछ हो जाए। इतनी एकाग्रता से सुनना, इतनी एकाग्रता से पढ़ना, इतनी एकाग्रता से कोई काम करना कि वो काम करते समय बाकी सब चीजों की तरफ, चाहे ट्रक चलाए या बैंड बाजे बज रहे हो, उधर बुद्धि ना जाए, इतनी एकाग्रता उस कर्म में हो, इसका अटेंशन। तो पहली विधि क्या है? अटेंशन, अवधान, ध्यान, कि मुझे एकाग्रता से ही हर कर्म करने। क्लास सुननी है एकाग्रता से, सोना है तब भी एकाग्रता से, उठना है तो एकाग्रता से, चलना है तो एकाग्रता से, हर चीज एकाग्रता से। फर्स्ट अटेंशन। दूसरी विधि कॉन्सेंट्रेशन की, सीट पर सेट रहना, जिसके लिए पूरी मुरली चलाई एक, सीट पर सेट रहना, अर्थात किसी न किसी सामान का अभ्यास, एकाग्रता से अभ्यास करना, यही सीट पर सेट रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, एक सामान दिया, संपूर्ण एकाग्रता केवल इस सामान में, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, स्वभाव है। इतनी एकाग्रता कि एक छोटे से संकल्प से अथाह शक्ति निर्माण होगी आत्मा में, एक छोटा सा संकल्प, परंतु यदि एकाग्र बुद्धि हो तो असीम शक्ति का अनुभव होगा। एक ही समान का अभ्यास किया परंतु इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा का अनुभव होगा कि इसके पहले कभी नहीं हुआ। एकाग्रता उतनी बढ़ जाए। सेकंड, सीट पर सेट होना। तो अभी एक मिनट के लिए सीट पर सेट हो जाओ। मैं हद और बेहद दोनों से परे रहने वाली आत्मा हूं और परम धाम में एक सेकंड के लिए तुरंत स्वयं को स्थित कर दो। तीसरा, कमजोर संकल्पों को समाप्त कर देना। जब जब कमजोर संकल्प आए उन्हें समाप्त कर देना, ये तीसरी विधि। और चौथी, संकल्पों के फाउंडेशन को मजबूत बनाना। ये सब किसकी विधियां है? कॉन्सेंट्रेशन की, एकाग्रता की। कमजोर संकल्प आया उसको लंबा समय नहीं चलने देना, क्योंकि लंबा समय अगर चलेगा तो विस्तार होगा और फिर कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाएगा। कमजोर संकल्पों को समाप्त करना, थर्ड। फोर्थ, संकल्पों का जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग बनाने में, वो स्ट्रांग बनेगा चिंतन से, खाली पढ़ने से नहीं, खाली सुनने से नहीं। एक पॉइंट उठाओ और उसका क्या करना? गहन चिंतन, सोचना, ये क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, क्या अर्थ है इसका, किस भाव से कहा गया। फाउंडेशन को मजबूत करना। पांचवी विधि, जैसे ड्रामा की पटरी, जैसे अपनी स्थिति की पटरी को भी वैसे ही रखना। क्या कहा बाबा ने?
जैसे ड्रामा पटरी पर चलता रहता है, इधर उधर नहीं जाता। स्थिति को भी एक ही पटरी पर चलने दो, इधर उधर उसको नहीं जाने दो। उसका आधार भी जो पहले बातें बताई है मुरली में वो सारी है। अगला जो इसके पहले भी बाबा ने कहा था, ब्रेक और पावर टू टर्न, मोड़ने की शक्ति और ब्रेक लगा देना। सारे दिन भर में बीच में कहीं एक जगह कहा है, जैसे शरीर को किसी विशेष दिन पर 3 मिनट के लिए एकाग्र करते हो, जैसे किसी ने शरीर छोड़ा मौन 3 मिनट या 1 मिनट, उसी तरह कर्म को रोककर शरीर को और मन को एकाग्र कर दो। ब्रेक लगाना सीखो ट्रैफिक को, ये अपनी अपनी प्रैक्टिस है। जरूरी नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा तभी हम ब्रेक लगाए, हम बीच में भी ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस करो। जब बहुत बिजी है उस बीच में कुछ सेकेंड के लिए ब्रेक, ट्रैफिक को ब्रेक, शरीर को ब्रेक, मन को ब्रेक, ये है ब्रेक और टर्न कर दो। सो ब्रेक और टर्न। उसके बाद में सरेंडर, उसके बाद में सरेंडर, मन को समर्पण कर दो। उसमें जो व्यर्थ है, उसमें जो कीचड़ है, उसमें जो विकर्म है, उसमें जो भाव स्वभाव है, उसको समर्पण कर दो। तो क्या हो जाएगा, मन मनाभाव और मोहजीत। समर्पण विधि है एकाग्रता की। जो समर्पण नहीं कर रहा है और विद्रोह चल रहा है अंदर, वो बुद्धि भी एकाग्र नहीं हो सकती। सरेंडर इज द वे टू कॉन्सेंट्रेशन। और फिर बताया सच्चाई और सफाई। नेक्स्ट आठवां, सच्चाई और सफाई। सच्चाई सफाई हो, अगर ये होगी तो ही साहेब राजी होगा। जिस बुद्धि में किचड़ा भरा है वो कभी भी एकाग्र नहीं हो सकती। जिस बुद्धि में ये भरा है, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इन लिए लोग अच्छे नहीं है, प्रायश्चित है, पश्चाताप है, दुख है, बदला है, वो कभी भी एकाग्र नहीं हो सकती। तो क्या विधि है, सच्चाई और सफाई। फिर उसके बाद में है समेटने की शक्ति कॉन्सेंट्रेशन के लिए। बाबा ने यहां एक दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे बाबा के सामने कोई भी आ जाता है तो बाबा संकल्प और भाव को जान लेते हैं। तुम भी जान लो, उसके लिए अपने सारे संकल्पों को समेट लो। क्या करो, सारे संकल्पों को समेट लो, बिस्तर पैक करो संकल्पों का। तुम भी, ये तुम्हारा पढ़ाई का लास्ट कोर्स है, जो भी सामने आए उसके संकल्प, थॉट रीडिंग। बाबा ने कहा तुम, मैं थॉट रीडर नहीं हूं, पर तुम्हारी जो लास्ट स्टेज है वो थॉट रीडिंग की स्टेज है। कर्मातीत स्टेज की एक परिभाषा किसी मुरली में दी है। फिर बताया नेक्स्ट विधि है शुद्ध संकल्प। दसवीं विधि शुद्ध संकल्प। यहां साइकोलॉजी का मुझे लगता है सबसे अच्छा उदाहरण बाबा ने दिया है। जैसे कोई कोई लोग अपने घर को सजाने के लिए यादगारी चीज, यादगार की चीजें रखते हैं बचपन की, वैसे तुम अपने मन मंदिर में क्या रखो, कौन सी मूर्तियां रखो, कौन से फोटो रखो, अपने अंतिम स्थिति के, अपने भविष्य स्वरूप की जो मूर्ति है उसके फोटो रखो और उसको देखते रहो। विजुअलाइजेशन, उसको डिटेल में देखो, ये मैं हूं ऐसा, ये भविष्य बनने वाला और ये अंतिम स्वरूप इस जन्म का। जैसे वो लोग यादगार रखते हैं बचपन के फोटो, फिर कॉलेज के फोटो, वैसे तुम भी क्या करो, मन के मंदिर में अपने वर्तमान का, फरिश्ता स्वरूप का, देवता स्वरूप का की फोटो रखो और उसको देखते रहो, तो वो धीरे धीरे वही बन जाएंगे जो हम देखेंगे। उसके बाद में 11th, टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग और टाइम डायरी, क्या कहा बाबा ने, डायरी अपॉइंटमेंट। सारे दिन का मन का, मन की टाइम टेबल बनाना है, मन की दिनचर्या, ये सामान यहां, ये सामान वहां। और लास्ट विधि है कौन सी, कौन बताएगा, मुरली का लास्ट पॉइंट। दो चीजें याद रखनी है, एक तो मैं सदैव कहां हूं, स्टेज पर हूं, कहां हूं,
स्टेज पर हूँ। अभी अभी हम नीचे शांतिवन गए थे, एक बहुत सुंदर एक थोड़े बड़े भाई को किसी ने पूछा, जो प्रोग्राम चालू था अभी इंटरनेशनल, भाई से पूछा कि आप स्टेज पर नहीं गए, तो उन्होंने कहा हम स्टेज पर ही है। उन्होंने कहा हम अपनी स्टेज पर ही है। तो हम हर समय क्या समझना, अपने आप को स्टेज पर ही हूं, कोई देखे ना देखे ये उनका प्रॉब्लम है। पर हम तो स्टेज पर ही है, निरंतर स्टेज पर है। तो हम स्टेज पर है। और दूसरा वर्तमान और भविष्य स्टेटस। तो ये 12 विधियां है, किस बात की, एकाग्रता की। सारी विधियां रोज करनी है, वो ज्ञान 1 सेकंड का है, योग 1 सेकंड का है, धारणा 1 सेकंड की, सेवा 1 सेकंड की। तो सारी की सारी विधियों पर काम करना, हर चीज एकाग्रता से करने का अभ्यास। अच्छा, ऐसे पहले आज की मुरली से बताओ कैसे बच्चे, ऐसे हद बेहद से पार जाने वाले बच्चों को, ऐसे समझ कर बहुत समझदार माला का दाना बनने वाले बच्चों को, ऐसे उल्टे सीधे संकल्प न चलाने वाले बच्चों को, ऐसे मायावी न बनने वाले बच्चों को, ऐसे जिनके कान सोने को हो ऐसे बच्चों को, संपूर्ण पवित्र बच्चों को, ऐसे ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप बच्चों को, ऐसे जिन्होंने कौन सी चाबी संभाल कर रखी है, बाबा चाबी संभाल कर रखी है, ऐसे बच्चों को कार्य में लगाने, कजानों को कार्य में लगाने वाले बच्चों को। और कोई आज की मुरली से, हम बच्चों को, और कोई आज की मुरली से, शरीर दिखे ही नहीं, आत्मिक दृष्टि केवल, ऐसे बच्चों को, ऐसे अब मुरली से, ऐसे श्रेष्ठ समझदार आत्माओं को, ऐसे एक रास्ता एक मत पर चलने वाली आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे देवात्मा महान आत्मा सो देवात्मा बनने वाली आत्माओं को, ऐसे सेकंड के स्मृति स्वरूप होकर श्रेष्ठ रहने वाली आत्माओं को, महान आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ के सारे खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण के श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।